नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही ने एक किशोर की आंख की रोशनी छीन लिया, जिससे परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 8 वर्षीय पुत्र सौरभ के साथ पहुंचे मनोज कंदापुर थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव के निवासी हैं। इनका आरोप है कि उनके बेटे की आंख लाल हुई तो वो बुलेरियागंज नया चौक स्थित आई हॉस्पिटल में दांत अस्पताल में दिखाए। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आलम द्वारा कुछ ड्रॉप को खाने की दवाई दी, पर जैसे ही घर के बच्चे की आंख में दवा डाली गई, वह दर्द से कराने लगा, जिसके बाद मनोज पुनः अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर आलम के पास गए और परेशानी बताई। उन्होंने कुछ दवाओं को बदला, लेकिन जैसे ही दोबारा आंख में दवा डाली गई, आंख से सफेद पदार्थ निकलने लगा। मनोज तीसरी बार डॉक्टर आलम के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, जिसके बाद मनोज अपने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की एक आंख खराब हो गई है और हायर सेंटर के रेफर कर दिया। पीड़ित मनोज का आरोप है कि डॉक्टर आलम की घोर लापरवाही के कारण उनके बच्चे के जीवन बर्बाद होने के कगार पर है। ऐसे में आई अस्पताल एवं दांत अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आई एन तिवारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया, किसी व्यक्ति ने उनको फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इस प्रकरण में जांच कर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। बच्चे का आंख लाल हो गई थी और डॉक्टर साहब ले गए तो जो 4 दिन का दवा दी, और 4 दिन का दवा देने के बाद दर्द कम हो गई, लेकिन सफ़ेदपन आँख में पड़ गया। तो फिर ले के आए घर, फिर 4 दिन बाद ले गए तो बोले ले जाओ, आराम आराम से ठीक हो जाएगा। तो बच्चे का हालत और ख़राब हो गई, जो आँख देखने लायक नहीं थी। फिर दोबारा तीसरी बार हम गए तो उसका आँख जो क्रेक हो गया, बहने लगा। हम बोले डॉक्टर साहब बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बोले 700 की दवा दिए, बोले जाओ घर पे, ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, अब साफ़ हो रही है। तो हमारे समझ में नहीं आया तो जो है कि हम एक लड़के को बुला के और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाएं कि मऊ में लेके गए, वहाँ पे जांच करवाए हैं, तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि दवा डालने से आँख ख़राब हो गई। तो हम उनको बार बार पूछें कि डॉक्टर साहब अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हम कहीं दूसरे जगह लेके जाएं। तो बोले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कहीं भी लेके जाओ, एक बैग नहीं ठीक हुआ। इसको वजह से हम उनके पास इलाज कर रहे थे। तो तीसरी बार जब ले गए जहाँ जब बहने लगा तो हम बोले साहब ये क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि जो है कि धीरे धीरे सही होगा, अब सही हो रहा है। तब तत्काल में हम ले के गए आजमगढ़, ले के आए दो एक डॉक्टर किए, वो लोग बोले इसका आँख जो है बह गई, ख़राब हो गई। आई हॉस्पिटल बिलरियागंज, वहीं दिखा रहे थे आप? हाँ, वहीं दिखा रहे थे। अभी कप्तान साहब के यहाँ पर आए तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले हैं कि बस ये डॉक्टर बुला रहे हैं और जो है कि इसको चेक करवाएंगे, अगर दवा की वजह से ख़राब हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे भी इस प्रकरण का संज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा फोन किया गया उससे मिला है, तो इसमें जो भी प्रकरण सामने आएगा तो उसको हम जांच कराकर निष्पक्षता से कराएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।